नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरें। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई नहीं रहे, उन्होंने अपने ही स्टूडियो में सुसाइड कर ली। नितिन देसाई ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह, देवदास और जोधा अकबर जैसी फिल्में में काम किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा में हिंसा की घटना की तुलना आतंकवादी हमले से की और इसकी जांच ANI से करने की मांग की है। ओडिशा ट्रेन हादसे के 2 महीने बाद भी 29 शवों की निशान नहीं हो पाई है। हादसे में 295 लोग मारे गए थे, जिनमें से अभी तक 29 की पहचान नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज सुबह लगभग 5:40 पर निकोबार द्वीप समूह में रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मंगलवार को महाराष्ट्र के वाटेगांव पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने क्षेत्र के चर्चित कवि रहे अन्ना भाऊ साठे को मरणोपरांत भारत रत्न देने की वकालत की। बॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर कुछ लेटेस्ट फोटो शेयर की है, वो ग्लैमर अंदाज में दिखी है। बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 160 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 6 में टेका नई बस्ती के चिराग अली चौक पर मंगलवार की रात करीब 10:40 पर अचानक से नॉर्थ केनाल की दीवार से लगी 2 मंजिला इमारत ढह गई। इतवारी क्षेत्र में मंगलवार की रात सनसनीखेज लूट की घटना हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश लुटेरों ने कट्टे की नोक पर गिरम भाई पटेल ट्रांसपोर्ट के 1,15,00,000 रुपए लूट लिए। ऐसी टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। धन्यवाद।